नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ स्वाति। तो चलते हैं मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा एक सहित अन्य कक्षाओं में दाखिले के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक नवीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ ही कक्षा एक और अन्य कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया गया है। पहले कक्षा के लिए 23 अप्रैल 2021 को खत्म होना था, लेकिन अब छात्र छात्राएं 30 अप्रैल 2021 तक प्रवेश ले सकते हैं। केवीएस ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके मुताबिक केवीएस ने कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा को भी रद्द कर दिया और घोषणा की है कि प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर किया जाएगा। केवीएस ने यह फैसला देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से पैदा हुए हालातों के चलते यह फैसला लिया है। बड़ी बात तो ये है कि इसके अलावा केवीएस ने कक्षा 2 से 9 के लिए प्रवेश सूचियों को प्रदर्शित करने के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। संबंधित उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने राज्यों की प्रवेश सूचियों को योग्यता के आधार पर निर्णय लें। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी 3 मई से 20 जून 2021 तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि केवीएस क्लास 1 में एडमिशन के लिए 19 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद हुई थी। गौरतलब है कि देश भर में लगभग 1247 केंद्रीय विद्यालय हैं। वहीं शिक्षा के आधिकारिक तहत इन स्कूलों में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं। वहीं संगठन ने कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए छात्रों और पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे केवीएस के आधिकारिक साइट पर ही विजिट करें।